हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी द्वारा नया सब्सक्रिप्शन कॉम्बो प्लान लॉन्च किया गया है। इसमें अगर आप GS प्लस या फिर आइकॉनिक GS उसके साथ साथ ऑप्शनल लेते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा ऑप्शनल पे और 10% रेफरल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे SRADDA। उसके अलावा 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको प्लस GS और ऑप्शनल पे। इस सब के साथ आपको अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो दिया जाएगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज होंगी। अगर प्लान की बात करें तो GS और ऑप्शनल का प्लान जो कि पहले 77,000 का था, ये एक साल का प्लान है, वो आपको इस समय 49,680 रुपए में मिलेगा। हालांकि इसके प्राइस जो है 28 अगस्त को बढ़ जाएंगे जो कि 51,750 रुपए हो जाएंगे। तो अभी आप 49,680 में ले सकते हैं। अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं जो कि 1,12,000 का, ये आपको 28 अगस्त को 74,790 का पड़ेगा, लेकिन अभी आप इसको 71,798 में ले सकते हैं। इस प्लान के साथ आपको अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो फ्री में दिया जाएगा जिसकी कीमत लगभग 45,000 के बराबर है। इसमें ऑप्शनल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 21 टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी जिसमें 80 टेस्ट होंगे, 50 आपके प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इसके अलावा टोटल 30 टेस्ट आपके मेंस के होंगे। इसके साथ ही आपको UPSC CSC अल्टीमेट सरप्राइज बुक्स दी जाएंगी। टोटल 20 बुक्स हैं इसमें जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाई गई हैं जिसकी कीमत लगभग 10,000 के बराबर है। ये सभी बुक्स आपको फ्री मिलेंगी अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या इससे अधिक का लेते हैं। इन बुक्स में आपका 100% सिलेबस जो है कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही अनअकैडमी के टॉप एक्सपर्ट्स द्वारा ये बुक्स बनाई गई हैं। तो जो लोग प्लान लेना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा SRADDA। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम 1 घंटे का होगा, 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस जो है आपका 2 घंटे 45 मिनट का होगा, इसमें 325 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। इसमें रीजनिंग में आपसे पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन, सिलोजियम्स तथा ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी तथा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटी जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा SCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम ऑन एज तथा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी तथा मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन तथा मिक्सचर और एलिगेशन, इसके अलावा पाइप और सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स तथा क्लोज टेस्ट और सेंटेंस एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट तथा ओकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जंबल्ड पैराग्राफ, वर्ड यूज तथा पैरा कनेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। पैराग्राफ कनेक्टर्स और पैराग्राफ रीस्टेटमेंट और पैराग्राफ इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपसे इंडियन हिस्ट्री तथा इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स नेम के बारे में पूछा जाएगा। कंट्री और उनकी कैपिटल तथा उनकी करेंसी के बारे में पूछा जाएगा और अवार्ड, ऑनर्स तथा रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वेंशन और डिस्कवरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाएगा। करंट अफेयर जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल तथा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। फाइनेंस, बजट एंड 5 ईयर प्लान, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन की। तो इसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करें
तो इसमें आपसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डेटा हैंडलिंग, डेटा डेरिवेशन और डेटा इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस आपकी पोस्ट के अनुसार होगा, जैसे कि आईटी के लिए, तो अगर आप आईटी से हैं तो आईटी से पूछा जाएगा। सीए, ऑडिटर तथा राजभाषा पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस होगा। वहीं पर इंश्योरेंस और फाइनल मार्केट अवेयरनेस की बात करें तो इसमें लेटेस्ट पॉलिसीज, डेवलपमेंट, करंट बैंकिंग न्यूज, इंश्योरेंस तथा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछा जाएगा। बिजनेस टॉपिक, फाइनेंस टॉपिक और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग तथा इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टर्मिनोलॉजी, डेरिवेशंस के बारे में पूछा जाएगा। वेरियस लॉ और पॉलिसीज के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें एसे और लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था इसका सिलेबस। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।